सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये पुरानी पैंट से एक पाउच बनाना सीखेंगे। बॉक्स पाउच है लेकिन ये फैंसी बॉक्स पाउच है, नॉर्मल जैसे रेक्टेंगल आते हैं वैसे नहीं है। इसको थोड़ा हम लोग ने शेप दिया है, अभी इसमें से हम लोग कपड़ा काटेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका बॉर्डर कट कर लेंगे क्योंकि फोल्डिंग को तकलीफ होती है। इसमें 11 इंच का स्क्वायर निकालने वाली हूं मैं। नीचे की साइड पे फोल्ड है, इसके लिए मैंने 5.5 इंच लिया है, तो ये मुझे 11 इंच का काफी है। ये पूरा पीस निकला। अगर आपको क्विल्ट करना है तो आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही थिक तो इसमें बना सकते हैं। इसको मैं आपको क्विल्ट करके दिखाती हूँ। क्विल्ट करने के लिए हम लोग स्पंज 4 mm का है, देखिए 4 mm का है ये, इसी नाप का हम लोग लेंगे। ये जब भी हम लोग पीछे वाला साइड काटते हैं तो थोड़ा ज्यादा रखते हैं, एक साइड पे आप भले ही उतना ही रखें, बाकी के साइड पे आप थोड़ा सा ज्यादा रखें क्योंकि क्विल्ट करते वक्त कपड़ा दब जाता है। देखिए क्विल्टिंग के वक्त कपड़ा दबता है, इसके लिए हम लोग ने ये चारों ओर से एक्स्ट्रा रखा है। इस तरफ से मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा, ये जस्ट इसका साइड है जो कि हम लोग सिलाई में वैसे भी यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग इसको आप डायगोनल कर सकते हैं या तो फिर आप स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन जैसे भी आपको चाहिए आप क्विल्ट कर सकते हैं। अभी इसको मेन कपड़े के हिसाब से हम लोग ट्रिम कर लेंगे। हमने क्विल्ट भी कर लिया है, आपको अगर डायमंड्स में करना है तो आप डायमंड्स में भी कर सकते हैं, मुझे इतना काफी है स्लांटिंग लाइन। अभी मैं एक साइड में यहां जहां जॉइंट है मेरा उसी साइड में ताकि ये बेस में चला जाए। अगर ये मैं ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये ऊपर डिजाइन दिखेगा मेरा पाउच में, इसके लिए मैं ये बेस में ही डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जिप लगाऊंगी, देखिए ये 11 इंच का जिप लगाना है क्योंकि ये 11 इंच का है, तो ये सीधे के ऊपर ये सीधा जो है नीचे रख दूंगी। हमेशा की तरह जिप लगाने के बाद उसको टॉप स्टिच कर देंगे। इस तरफ का करने के बाद हमें यहाँ का लगाना है, तो ये जस्ट ऐसे ही हम लोग फोल्ड कर देंगे और यहां से सीधा स्टिच करके उसको भी टॉप स्टिच कर देंगे। टॉप स्टिच करने के लिए ये खोल देती हूँ। अभी हमें अगर लेस लगाना है तो हम लोग लगा सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। लेस लगाते वक्त बस हमको ये ध्यान रखना है कि ऊपर का जो धागा है वो मैचिंग हो। नॉर्मल पाउच में हम लोग एक ही तरफ लगाते हैं जिप प्लेसेस, इसमें कैसे जिप सेंटर की तरफ आने वाली है, इसके लिए हम लोग ने ये दोनों तरफ से लगाया है। अब हम इसमें रनर डाल देंगे। पाउच के लिए सिंगल रनर काफी हो जाता है, दो रनर की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप 2 रनर डाल सकते हैं। और जब हम लोग पूरी तरह खोलते हैं तो हम लोग रनर डालने के टाइम फिर से पूरी तरह निकाल के एक बार फिर से डाल देते हैं ताकि दोनों एंड एक जैसे हो जाए।
अभी ये सेंटर पे ला के रख दिया। अभी हमको स्टिचिंग इसका अंदर से करने वाले हैं, तो इसको उल्टा कर देते हैं। अभी इसका सेंटर मार्क करेंगे हम लोग। अभी ऐसे रख के जहां सेंटर है वहीं पर हम लोग ये जिप जो है सेंटर में आके मिलना चाहिए। अभी हम लोग जस्ट इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग जस्ट अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये जस्ट खोल देंगे, ये ऐसे खोल के यहाँ पे इसको सेंटर में लेके ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ट्रायंगल जैसे करेंगे इसका जैसे। तो ये सेंटर में आने के लिए हम लोग ने ये मार्क किया है ताकि हमारा आगे पीछे नहीं हो। लोग 1.25 इंच पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से 1.25 इंच और इस तरफ से 1.25 इंच, मीन्स ये 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और स्टिचिंग कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो बॉटम का साइड है इसमें हम लोग और 1/2 इंच बॉटम का साइड में 1/4 इंच हम लोग और अंदर की ओर ले रहे हैं ताकि बेस वो बड़ा हो जाए। उसी स्टिचिंग लाइन से बस ये नीचे हमने स्ट्रेट नहीं दिया है, ये स्लांटिंग दिया है और ये इस लाइन से ये अराउंड 1/2 इंच कम है। हम लोग ने ऊपर की ओर कम नहीं किया है, नीचे की ओर कम किया है। देखिए स्ट्रेट नहीं लिया है, स्लांटिंग लिया है ताकि बेस बड़ा हो जाए। अगर ऊपर की इसमें मैं कम करूंगी तो टॉप का पोर्शन बड़ा हो जाएगा और नीचे का कम हो जाएगा। सो हमें क्या करना है ये डिसाइड करने के बाद ही करना है। दूसरी तरफ करने का टाइम हम लोग याद रख के बॉटम के पोर्शन में ही ये जोड़ घटाना है। सबसे पहले 1.25 इंच का मार्क कर लेती हूँ। इस तरफ से 1/2 इंच है, इस तरफ से 1/2 इंच है। तो अभी याद से हम लोग ऊपर की ओर से, देखिए ये ओपन का पोर्शन है, यहाँ पे नहीं, मेरे को बॉटम का पोर्शन पे 1/4 इंच कम करना है। ये देखिए अंदर की ओर बस हमें ऐसा ही हमें दूसरी तरफ से भी करना है। बैक कॉलर देंगे हम लोग। देखिए हमारा पाउच तैयार हो गया, इसका थोड़ा शेप चेंज हो जाता है। अगर हम लोग स्लांटिंग नहीं करें तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी और बॉटम कम हो जाएगा, उतना ही डिफरेंस है। आपको जिस तरह से चाहिए, आपको अगर हाइट का ज्यादा चाहिए और बॉटम कम चाहिए, ये स्ट्रेट चाहिए, तो आप इसका जो मैंने स्लांटिंग किया है वो ना करते हुए आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, 1/2 इंच का स्ट्रेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ
आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।